मैंने डिटॉक्स नहीं लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि धनिया ले सकते हैं फास्ट में कि नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए रिस्क नहीं लिया था और इसीलिए कल बनाया नहीं, तो आज बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान, और आज हो गया है डे नंबर 3। तो थोड़ा सा बता देती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कोई डाइट नहीं है, वो एक टाइम पीरियड होता है, एक मतलब उसके अंदर क्या खा रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता है, हम कब खा रहे हैं वो मैटर करता है। उसमें दो तरह की विंडो होती है, आप अपने दिन के 24 घंटे को डिवाइड करते हैं ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो में। तो लोग 12-12 घंटे का भी रखते हैं विंडो, लेकिन मैंने ईटिंग विंडो 8 घंटे का रखा है और फास्टिंग विंडो 16 घंटे का रखा है। तो उस 8 घंटे को मैं अपना ईटिंग विंडो बोलूँगी, जिस टाइम पर मैं खाना खाती हूँ और अपने सारे मील्स लूँगी, तो उसी 8 घंटे के अंदर मुझे अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना होगा। तो इस मेथड को, इस पैटर्न को बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और रुजुता दिवेकर का जो डाइट होता है वो बहुत ही बेसिक सा डाइट है, जो हम हमारे बड़े बूढ़े खाया करते थे, या हमारे फैमिली का जो मेन कल्चरल फूड होता है वो खाने को बोलती हैं, लोकल फूड खाने को बोलती हैं, दिन की शुरुआत चाय से ना करके फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट से करने को बोलती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इस डाइट के अंदर फॉलो करने वाली हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं वही खाऊंगी जो रुजुता दिवेकर मैम बोलती हैं, तो ये कंबाइन करके मैं डाइट को फॉलो कर रही हूँ। तो ये तो रही बात कि मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइज, आज डे नंबर 3 है और मार्च ऑफ 3rd भी है। कल मेरा फास्ट था, तो आज मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही है, लेकिन अभी टाइम है मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट होने में। मैंने अपना ईटिंग विंडो लिया है 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, मतलब इसी बीच में मैं अपने सारे के सारे मील्स लेने वाली हूँ। तो चलो अब मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, और तब तक कर लो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और नीचे प्यार प्यार कमेंट, और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। A few inches later. विवान, तो मैं अभी डिटॉक्स पी रही थी, साथ साथ ना मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं अपने फेस से, मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ। मैंने वो फेशियल सीरम लगाया था अपने फेस पर और मुझे उसको ठीक से अप्लाई करना आता नहीं था। रेटिनॉल सीरम है वो, रेटिनॉल स्किन के लिए थोड़ा सा ध्यान से यूज़ किया जाता है। मैंने ठीक से उसके इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं थे, उसमें लिखा हुआ था कि एक ड्रॉप या दो ड्रॉप आपको अपने पूरे फेस पर लगाना है, अपने सेंसिटिव एरियाज़ को छोड़कर। मैंने यहाँ तक, मतलब इवन जैसे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना पूरे फेस पे, मैंने वैसे लगाया, मेरे पूरी फेस की जो स्किन है ना इतनी फ्लेकी हो गई है ना, वो निकल रही है पूरी। अभी कैमरे में इतना कैप्चर नहीं कर रहा है, मेरे ये पूरा एरिया, ये इतनी स्किन निकल चुकी है और ये इतना ड्राई ड्राई सा हो रहा है। ये स्किन जो वाइट आपको दिख रहा होगा, ये सब जो है ना यहाँ से स्किन अभी तक निकल रही है। मेरी ये पूरी आईलेड वाली स्किन निकल रही है, ये कल निकल चुकी है, थोड़ी बहुत बीच बीच से कहीं कहीं रह गई है। पता नहीं है कितने दिन का प्रोसेस है, ये कब तक रहेगा। मैंने एक ही नाइट को लगाया था, और पता है उसमें लिखा था कि सीरम लगाने के बाद आपको अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है अच्छे से पूरे फेस पर, और मैंने वो लाइन पढ़ी नहीं, मैंने सिर्फ अच्छे से रगड़ के तो पहले ये सब लगा लिया, उसके बाद फिर मैं सो गई। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि उसे मॉइस्चराइज़र भी लगाना है। वही कहते हैं ना कि आधा जो जानकारी होती है ना, आधा ज्ञान जो होता है ना, बहुत हानिकारक होता है, और मेरे साथ वही हो रहा है। मैंने ठीक से उसके इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं, और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं कभी ऐसी चीज़ें यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सुना था रेटिनॉल के बारे में कि काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक से उसकी ना वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, ना उसके बारे में पढ़ा, और बस यूज़ कर लिया। और एक यूज़ से ऐसा हो गया, मैंने 27th की नाइट में लगाया था, लड्डू के बर्थडे वाली नाइट में, और आज हो गई है 3rd of March, मतलब 28, 29, 1, 2, 3, 5 चौथा दिन है आज, और अभी तक स्किन निकल रही है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ होली से पहले पहले ये सब रिमूव हो जाए तो ठीक है, वरना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस है होली पर, पता नहीं क्या होने वाला है। तो फास्ट ब्रेक करने का टाइम हो चुका है, 12 बज रहे हैं, और फास्ट मैं ब्रेक कर रही हूँ आज पपाया से ही। पपाया के ऊपर मैंने डाल दिए यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इनको, नाम भूल गई मैं इनका, आप देख लो क्या बोलते हैं इसको, नाम याद आ गया, तो इसको बोलते हैं फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड्स को मैंने इसके ऊपर डाले, रोस्टेड आते हैं ये, सॉल्टेड भी आते हैं, विदाउट सॉल्टेड भी आते हैं, तो ये वाले सॉल्टेड है, तो मैंने फ्रूट के ऊपर डाले, मैंने कहा ये ख़त्म भी हो जाएंगे और ये हेल्दी भी होते हैं। तो अब मैं इसे खाती हूँ और अपना फेस्ट कह रही हूँ, अपना फास्ट ब्रेक करती हूँ।
सो गाइस टाइम हो चुका है लंच का। वैसे टाइम तो था ब्रेकफास्ट का, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी मैं 12 बजे मैंने काफ़ी अच्छे से फुल करके एकदम पेट भर के मैंने पपाया खा लिया था, तो वो मेरे लिए इनफ था। उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत लगी नहीं। चाय पीनी होगी, चाय मैं शाम को पी लूँगी। और ये चीज़ आप देख रहे हो, स्किन निकल रही है मेरी, तो ये मैं सोचना कि कुछ लगा हुआ है। मेरी पूरी स्किन फ्लेकी हो गई है इस टाइम पर, आप देख सकते हो पूरी स्किन निकल रही है। मेरे हस्बैंड कह रहे तुम नागिन हो, तुम अपनी खाल निकाल रही, खाल चेंज कर रही हो। जो होते हैं ना नाग, इच्छाधारी नागिनों, नाग नागिन अपनी खाल चेंज करते हैं, तो वही वाला सीन मेरा चल रहा है अभी। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और ये सब हो रहा है मेरे साथ। एनी वेज गाइज, तो मतलब मैंने पपाया काफ़ी पेट भर के खा लिया था, प्लेट भरा हुआ था, पेट भी भर गया था, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट लंच पर आते हैं। इस टाइम पर बजने वाले हैं 2:50 हो रहे हैं। तो अब मैं जाती हूँ अपना लंच करती हूँ। लंच करके थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ। लेज़ी फील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, और नींद पूरी होने ना होने का रीज़न है मेरी दवाइयाँ जो जो मैं खा रही हूँ, एलर्जीज़ वगैरह। क्योंकि मौसम चेंज होता है ना, तब मेरी एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मुझे दिन में 2 से 3 डोज लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। और मैं रात भर सोने के बाद भी सुबह जब उठती हूँ तब भी मैं बहुत नींद में होती हूँ, बस मन करता है दिन रात सोती रहूँ। और इसी वजह से थोड़ी थकावट सी भी फील होती है और बहुत लेजी लेजी भी फील करती हूँ। तो सोच रही हूँ खाना खा लूँ, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी और अब फिर आपसे मिलूँगी। पहले आपको दिखा दूँ मैं खा के आ रही हूँ। मैंने अपने लंच निकाल लिया है, लंच में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ मैं ये चीज़, तो देखिए पहले यहाँ पे है जीरा राइस, इसमें जिसे मैंने अभी गरम गरम बनाया है। ये है छोले, मैंने बहुत दिनों के बाद छोले बनाए हैं आज। ये है आंवले का मुरब्बा, ये है थोड़े से प्याज, सैलड में कुछ और है नहीं, और वैसे भी इसके साथ यही अच्छा लगता है। साथ में है 2 हरी मिर्च अगर रिक्वायरमेंट रही, क्योंकि तो छोले के साथ प्याज के साथ ना हरी मिर्च अच्छी लगती है। अगर लगा कि कम स्पाइसी है या मैं खा सकती हूँ तो खाऊंगी, अदरवाइज इसे छोड़ दूंगी। तो ये है मेरी लंच की थाली। Approximately 10 hours later. तो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैं ना पता मुझे ना बहुत उलझन सी हो रही है यार अपनी स्किन को लेकर, पता नहीं यार ये सब क्या हो गया। मैंने वैसे कई वीडियोस पढ़ी है कि ऐसा होता है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, और ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे ना पता है क्या लग रहा है, ये अगर ठीक नहीं हुआ होली तक, क्योंकि 27 को लगाया, आज 3rd हो गई है, मतलब 3 दिन तो हो चुके हैं, 4th दिन चल रहा है, और 3 दिन में ये आला हाल है। होली तक तो पता नहीं ये स्किन निकल और निकल रही होगी, और उस पर बीच में अगर होली का रंग लग गया तो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के ऊपर वो रंग लगेगा, और पता नहीं क्या ही हो सकता है। तो ना पता है हल्की हल्की सी ना इरिटेशन रहती है स्किन में, ये वाला हाल हो रहा है। एनीवेज गाइस टाइम हो चुका है इवनिंग स्नैक्स का, तो इवनिंग स्नैक्स में मैं क्या खाऊंगी अभी मुझे भी नहीं पता। चाय तो डेफिनेटली लेने वाली हूँ, और ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं है। इवनिंग स्नैक्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मखाना चाट, पफ राइस चाट, भेलपूरी बना सकते हो आप चना स्प्राउटेड सैलड खा सकते हो इस टाइम पर, चना चाट बना के खा सकते हो, आपके पास वैरायटी ऑफ भुना हुआ चना खा सकते हो, या थोड़े से मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, या अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है और आपको भूख लगी है इवनिंग स्नैक्स के टाइम पर, तो आप नॉर्मल जो घर में दोपहर में आपने रोटी बनाई है वो एक रोटी ले लो, उस पर घी लगा लो, थोड़ा सा गुड़ डाल लो और उसे रोल कर लो और उसको ही खा लो, ये भी आप खा सकते हो आपके इवनिंग स्नैक्स में। इवनिंग स्नैक्स खाने का पर्पज सिर्फ ये होता है कि हम डिनर टाइम पर ओवर ईट ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि हम इवनिंग स्नैक्स में या तो इस टाइम पे हमें भूख लगने लगती है तो हम इस टाइम पे ज्यादा ही कुछ खा लेते हैं, तो एक रीजन होता है ये हमारा वेट बढ़ाने का कि हमने इवनिंग स्नैक्स में कुछ अनहेल्दी खा लिया। तो जो भी चीज खाओ हेल्दी खाओ और जो लोग इवनिंग स्नैक्स में ऐसी हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह खा के काम चला लेते हैं, वो लोग डिनर में, क्योंकि डिनर टाइम पे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, बिस्किट से पेट भरता नहीं है, तो डिनर बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं। तो अगर इवनिंग स्नैक्स आप कुछ खा लोगे आपकी भूख के अकॉर्डिंगली, तो आपकी जो डिनर टाइम की भूख होगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इवनिंग स्नैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील होता है पूरे दिन का। लेकिन क्योंकि मैं लंच करके सो जाती हूँ तो मुझे उतनी भूख लगती नहीं है, और मैं सुबह से काम करके थकी हुई होती हूँ, तो सोना भी ज़रूरी है वरना आपका डाइजेशन भी ख़राब होता है। एक चीज़ और मुझे ना, मैंने रुजिता मैम की ना एक वीडियो देखी थी काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें उन्होंने कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया था कि जब भी आप अपना लंच फिनिश करो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन फील करना होता है, मतलब फेस करना पड़ता है, तो लंच फिनिश करते करते मतलब एक या हाफ बनाना लंच के साथ खाओ, उससे आपको कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं होगा। तो बस ये कुछ चीजें थी जो बतानी थी आप लोगों से। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आ रही हूँ अपनी चाय,
और ये मैंने बनाया है अपने लिए, भेल बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हो। इसमें मैंने पतले वाले पोहे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा मूंगफली और मिर्च डाल के हल्का सा सौते कर लिया है, तो नहीं आगा। इसमें भी बता। और यहाँ बन रही है लड्डू की मैगी। देखो जो खतरनाक वाले एनिमल्स होते हैं। हाँ बताओ बताओ। लॉयन, हाँ उसके टीथ बहुत खतरनाक होते हैं, उसके नेल्स बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ नाखून को नेल्स बोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नेल्स होते हैं उसके। अच्छा पहले मामा को एनिमल्स के नेम सुनाओ। 5 वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मतलब खतरनाक वाले एनिमल्स। हाँ हाँ, तो पहला लॉयन, दूसरा हाँ, फिर थर्ड बियर, हाँ फोर्थ मंकी, यस, और फिफ्थ एलिफेंट। अरे वाह, लेकिन मेरे हाथ में क्या लिखा है जो आप मेरा हाथ देखकर बता रहे हो? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा चलो अब 5 पेट एनिमल्स, हाउस वाले। हाँ हाउस वाले, डॉग, फिगर पे दे पता। हाँ ठीक है, फिगर पे ऐसे करो। अच्छा ठीक है, डॉग, यस, कैट, फिश, पिग, यस, रैबिट, यस, यू कैन डू इट। मारो 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 मारो। एक ही गिरा है, शिट। अरे यार लड्डू आपको तो खेलने ही नहीं आता यार, अबे जाओ यार, सारे गिराने हैं आपको ये। दिखाओ। ओए ओए, अब फिर भी ठीक था, 2 गिरे इस बार। ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगा था, फ़ोन टीवी बहुत ज़्यादा हो गया था। छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा हो गई ना, तो टाइम पास करने के लिए इसको सिर्फ एक ही चीज़ थी, फ़ोन या फिर टीवी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं फ़ोन और टीवी कम करवाऊँगी इसका, और जितना हो सकेगा इसको गेम्स में और इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी रखूँगी। तो लड्डू ने आज पढ़ाई भी की है और अब लड्डू गेम खेल रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने डिनर की तैयारी करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, तो टाइम हो चुका है डिनर का, और डिनर में मैं पता है क्या ले रही हूँ, गर्मियों का मेरा मोस्ट फेवरेट और मेरा पसंदीदा, मतलब बोल सकते हैं मुझे बहुत पसंद है, मैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसको लेती थी। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैं कौन सी ड्रिंक की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सत्तू ड्रिंक की। मैं भी बड़ा हो गया। हाँ मैं भी बड़ा हो गया। तो लड्डू के चाचू को ना कहीं से सत्तू मिल गया था, जौ और चने का, तो वो लेकर आए थे, पता नहीं टेस्ट में कैसा है मैं नहीं जानती हूँ। तो ये है सत्तू, सत्तू के अंदर मैंने पानी डाल के उसको थोड़ा सा इसका ड्रिंक बना लिया, उसमें नमक डाल दिया, ब्लैक सॉल्ट और प्याज डाल दिया, खूब सारा नींबू डाल दिया। तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और मेरा तो फेवरेट ड्रिंक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्याज। ठीक है देखो तो। अच्छा दिखाओ, देखो। अरे वाह, ये आपने लगाया बैग? मम्मा ठीक कर देगी, अब बस आप जाके लेटो और दूध पियो जल्दी से। दूध दे दिया मैंने, टेबल पे रखा हुआ है, जाओ जल्दी से जल्दी। कार्टून नहीं मिलेगा, पापा आएंगे तब मिलेगा। अब मैं अपना ये डिनर फिनिश करती हूँ और आपसे मिलूंगी मैं थोड़ी देर के बाद। खट्टा, सॉल्टी और टेस्टी। हाँ नहीं, टीवी पे नहीं लगाऊंगी। क्या आने दो, गेट खोलो, गेट खोलो, रहने दो ना पापा को बाहर रहने दो।